सदा गतिशील है, पल पल करके एक सती बनती है। सब्र का अर्थ नहीं हार कर बैठना, सब्र का अर्थ नहीं हार कर बैठना, सब्र का अर्थ है एक दिन में सागर का निर्माण नहीं होता, बूंद बूंद करके ही नदी बनती है। समय सदा गतिशील है, पल पल करके ही सदी बनती है। सब्र का अर्थ नहीं हार कर बैठना, सब्र का अर्थ है हिम्मत से खड़े होकर दिखाना। सब्र है अधिक आस्था उस परिवेश में जहाँ शत्रु शामिल मित्र के बीच में। सब्र है अटल उम्मीद इंसान की, सब्र है अभ्यास से तपस्या विद्वान की, सब्र है अचल भक्ति भगवान की, सब्र की राह पर चलो छोड़ रहा ज्ञान की। संयम से जीवन आगे बढ़ता है जब कर्म अंगारे सुलगने लगते हैं। सब्र से काम लेना पड़ता है, धैर्य से दुख कम लगने लगते हैं। दुख में आंसुओं को पलकों पर सजाना पड़ता है, आंसू कुछ देर के फिर इन्हें सूख जाना पड़ता है। जंग तो सबसे ही लड़ी जाती है, आखिर अपना धैर्य अजमाना पड़ता है। ये धैर्य के बारे में, धैर्य धारण कीजिए और उन्नत के पथ पर अग्रसर होइए। काव्य पाठ का अब आखिरी प्रतिभागी है और आखिरी प्रतिभागी में ये अंबिका पाल ये एक कविता कहना चाहती हैं और ये क्या नाम तनया भी एक कविता देके कहना चाहती हैं। जरा कविता काव्य पाठ कीजिए, लीजिए। बहुत ही अच्छी कविता थी। बहुत ही अच्छी कविता थी। अब मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। नवोदय, ये उन सभी का मददगार है जो पढ़ नहीं सकते, जो आगे बढ़ नहीं सकते बिन पैसों के। जिनके पास पैसे नहीं है सबका सबकी मदद करता है वो दुर्भाग्यशाली, ये उनके भी भाग्य खोलता है। नवोदय में जब हम लोग आए थे तो बहुत रोते थे, लेकिन अब बहुत हंसते हैं। यहाँ सब जब आए थे तो सब लोग अलग अलग रहते थे, कोई कहीं का था, कोई कहीं का। यहाँ हम किसी को नहीं जानते थे, लेकिन अब सबको जान चुके हैं। उसके बाद हम सभी को जानने लगे हैं और समझने लगे, इसलिए हम लोग मिलजुल के रहने लगे। अब इसी के साथ मैं ठाकुर सर को दो शब्द बोलने के लिए आमंत्रित करती हूँ।